पहले 4 साल से उसके दोनों चक्कर चल रहा था, 4 साल से या 5 साल से। तो लड़की वादा की उसे क्या प्रेम मतलब हो रहा था कि हम आपकी शादी करेंगे वैसे वैसे, तो घर बना दो तो यहीं पर रहेंगे। बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर के पास गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव की है। बताया जा रहा है कि चांदपुरा गांव निवासी परमानंद महतो का 22 वर्षीय पुत्र साजन कुमार गांव के ही ज्योति कुमारी के साथ पिछले 4 वर्षों से प्रेम करता था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की जानकारी दोनों के परिवार वालों को भी थी। मृतक के पिता ने बताया कि 4 साल से युवक लड़की और उसकी माँ की बातों में रहता था और सभी कमाई उसी को देता था। गुरुवार की दोपहर अचानक साजन कुमार ने उसके घर के पास गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि साजन कुमार ज्योति से शादी करना चाहता था और शादी को लेकर उससे बात करने गए थे, जहां ज्योति ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद साजन ने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुँच शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट चुकी है। पहले लड़की वादा की पहले 4 साल से उसके दोनों चक्कर चल रहा था, 4 साल से या 5 साल से। तो लड़की वादा की उसे क्या प्रेम मतलब हो रहा था कि हम आपकी शादी करेंगे वैसे वैसे, तो घर बना दो तो यहीं पर रहेंगे। उसके पीछे बहुत सारी रुपया भी खर्च की और वो दोनों प्रॉमिस की थी कि हम आपकी शादी करेंगे यही चलते। पहले उसके साथ मांग में सिमरू डाल दी तो वो बोल रहा था उसके मम्मी ने पहले दोनों पकड़ के रखी थी, उसके भाई उसकी मम्मी पहले खूब मार मारे। लड़की राजी थी उसे शादी करने की। कब तो क्या कहते हैं जी, आज फिर आज बोल रहा था आज ही करेंगे शादी। क्या नाम है आपका? तो फिर गोली किसने मारा? गोली उसकी मम्मी मारी और उसका भाई दोनों मिलकर उसे पीटा। पहले तो डंडा लेके खूब मार मारा, उसके बाद गोली चलाई। कौन? उसकी मम्मी दोनों, उसका लड़का। क्या नाम हुआ आपका? आप इस बात को कैसे जाने? वो 4-5 साल चक्कर चल रहा था, नहीं पता चलेगा कि उसने गोली मारी, इस बात को कैसे आपने जाना? गोली जैसे लगा तो नहीं पता चलेगा कि गोली लगा है। नहीं नहीं, आपने कहा उसकी माँ ने गोली मारी, आपने देखा उसको गोली मारते हुए? गोली उसको वही पर थे कि गोली खुद मारी हुआ उसकी मम्मी। क्या नाम हुआ तुम्हारा? प्रियंका कुमार। कहना चाहते हैं? जानने चाहते दोनों मार रही लड़की, मार दिया हाँ भाई की गोली। ये कौन सी लड़की का तस्वीर है? ज्योति कुमारी। अच्छा अच्छा, क्या जानकारी आपको मिली? क्या आपके भाई क्या कहते थे आपको? हमारे भाई कहते हैं मतलब उसी लड़की से हम दीदी शादी करेंगे, बोला पूर्णिमा दिन करेंगे। उस लड़की की दीदी के आखिर नहीं करेंगे, कुछ दिन के बाद क्या कहते हैं दीदी के आखिर नहीं करेंगे शादी, कुछ दिन के बाद करेंगे। हमारा एक से लखा नहीं देता, ऐसे एजेंट कर दिया, मतलब कुछ दिन के बाद उसी लड़की से शादी करेंगे। तो आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, हम तो हम यहाँ नहीं, हम ससुराल में। कौन गया जी, मतलब कि हम भाग गोरी माल दिया था, हम असगरे आया बच्चा बाल बच्चा। इसके घर में माता पिता नहीं है क्या? माता है, माता बूढ़ है, पिताजी है, पिता बूढ़ है। अच्छा, कितना दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था? 4 साल से चल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? लड़के का कहीं शादी भी लगा था? लगा था, तब हमारे भाई छोड़ने के लिए पहले ने उससे वादा कर ली, उसके बाद में उसकी मम्मी शादी के चर्चा उठाए थे और बोला था। अच्छा, वो कौन है? मेरा लड़का है। क्या नाम था उसका? सजन कुमार। क्या मामला हुआ है? मामला है ये, बहुत दिन से लगभग 4 साल से ये जो लड़की है इसकी माँ, ये लड़की किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? ये ज्योति कुमारी है, उसका माँ का नाम संगीता देवी है, समझे ना। ये दोनों मिलके इसको फंसा के रखा था, क्या खिलाया क्या पिलाया पता नहीं। ये जो कभी भी कमाता था चार साल से सारे पैसा, चार सालों में आपने कहीं शिकायत की थी इस बात की? हम उसको मना किया, इसको मना किया, ये हमारा बातें नहीं सुनता था। आज क्या हुआ? आज तो हम यहाँ पर भगवती फार्म में बैठे हुए थे, हल्ला गुल्ला हो रहा था, गया दुकाने, जब तक आया था जब तक गोली मारा। ये भी कौन मारा ये नहीं जानते आप? हम देखा नहीं है। गोली लगा हुआ है? गोली लगा है। मतलब कैसे आप कह रहे हैं प्रेम प्रसंग का मामला? ये बहुत दिन से चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। मतलब जो मृतक है और जो जिनके बारे में कहा जा रहा है लड़की है, उनके बीच प्रेम प्रसंग? ज्योति कुमारी नाम है लड़की का। अच्छा अच्छा। जैसे मृतक के पिताजी जैसे बोला कि 4 साल से ये प्रेम प्रसंग चल रही है और 4 साल से जो भी कमाता था उसी को दे, इसी में देता। ज्योति कुमारी के पिताजी का नाम जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर शर्मा
जोगिंदर शर्मा लड़की के पिता 4 साल से उसका पिता भी बोल रहा था, कमाता था उसी को रहता था। मैंने गांव में लड़के का उम्र कितना होगा इसकी चर्चा थी, रखियन 25 ग्रामीणों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला बोले छ। हमें नहीं रही घर में, हमर बेटी पढ़ाई रहे घर में, बड़की बेटी हमर पढ़ाई रहे, वो जबरदस्ती अल घर घुस गेलो लड़का जे डेट होल, क्या नाम है उसका, साजन है। अच्छा, जबरदस्ती घर घुस के आ दू गो मथी तीन गो कल के छर्रा भरने छमे ते इतना जानै छी, हमर बेटी बोलले कि मम्मी के करो तीन गो छर्रा भर तोरो गोली मार देबो आ तोरा भाइयो के मार देबो हमहू मर जेबो बेसी बोलबे, तो हम ए बात बोलै रहे तो हम एलिए तो चाचा हम बोन सुतरते छ दूसरा गांव घर गेल रहिए ऐजा उतरते छिए आ ता हम जोर घिचम घिची करै रहे सुनलखने, तकर बाद अइले बस चट सुना हम कल हे तो केना केना कर छो भाई लेके ना जास कहते छिए, बस कहे कि नहीं तो अपना बेटी शादी कर देबिन हम ऐजा गोली हम अपने अपने मर जेबो, कहले कि गोली के थी मार लहो ला के जाय जास मरे छत बाहर जाके मरग हमे बोल लिए, तो बस चट सुना ऐजा सो जा गेले चट गोली मार के मर गेल। ओ जे गोली गिरला ओ जे कर माय तुरंत कर भौजा ओकरे भौजा यो ओ जा रहे ओकरे भौजा की कर इसके भाई पहले से यहां थे क्या, ना ओहा देर के छोड़बे थे रे आपकी बच्ची पढ़ती है, हां किस क्लास में पढ़ती है, इंटर छोड़ा परीक्षा देते, कहां पढ़ती है, आरसीएस। अच्छा कहां आरसीएस कौन सी जगह, अच्छा का मामला है। इस घटना पर मैं ही कहना चाहते हैं, हमको लगभग 1:30 बजे रिपोर्ट मिला, हम आए थे यहाँ स्पॉट पर, कोई नहीं था, सिर्फ लाश को देखे, अपने स्तर से छानबीन किए, घर वाले जो बयान दिया है जी जी वो अपने स्तर से बयान दे रहा है, या जो भी जो स्पॉट पे है जी वही जो बोल रहा है जी वही हम लोग भी सुने हैं जी जी। और उसके बाद अपना परिचय, मेरा परिचय इस पंचायत के सरपंच है, मेरा नाम विजय शंकर सिंह है। आपने क्या सुना, हमने सुना यही जो हम जिस टाइम आए थे यहाँ कोई नहीं था, ये महिला बांध पर थी और हम नीचे आके देखे लाश को, उसके बाद थाना को हम फोन किए, थाना से फोर्स आया, आने के बाद जो लोग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो खुद मर गया है, अपने से मार लिया है, इसके परिवार के साथ इसका गलत संबंध था, इसी के कारण हत्या हुआ है, तो हम लोग तो इस लाश को हत्या या आत्महत्या, आत्महत्या किया है, ये खुद सुसाइड पिस्तौल से गोली मार लिया है, इसकी मृत्यु हुई है। आप लोगों को क्या लगता है, पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था, हाँ इसका पहले से हो इसका प्रेम प्रसंग था, और आज से लगभग 6 महीना पहले एक बार इसका पौरपंचायती भी पंचायत के स्तर से ग्रामीणों के स्तर से किया गया था, इसके घर पे आकर दोनों एक ही स्वजातीय थे, नहीं नहीं अलग अलग जाति, एक शर्मा है और कनुनिया है मातो। अच्छा, बस ये क्या लगता है, अभी जांच करना, जांच कैसा होगा, प्रथम दृष्टि क्या लगता है, प्रथम दृष्टि तो गोली लगा हुआ है,